हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जैसा कि आज आप मेरा आज का टॉपिक देख सकते हैं, मेरा टॉपिक है वाटर अलार्म बनाना, जिससे बिजली की भी बचत हो और आपके टंकी से पानी की भी बचत हो। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। इसके लिए जो आपको इक्विपमेंट चाहिए होगा वो चाहिए होगा एक रिंगिंग बेल, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा, जो आपको बाज़ार में 100-150 रुपये में आराम से उपलब्ध मिल जाएगा। एक चाहिए होगा कि वेट स्विच, ये आपको 10-12 रुपये का मिल जाएगा। फिर अपने मनचाहा रूप का तार चाहिए होगा, जो आपको 3-4 रुपये मीटर मिल जाएगा, पतला तार यूज कीजिएगा। और आपको चाहिए होगा एक टोपी, जी हाँ, कुछ इस प्रकार का टोपी, जो भी आपको सस्ते रेट में 10-12 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। फिर अब अपने को करना क्या है, अपने को ये याद रखिएगा, इसमें बैटरी वाला ही बेल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बिजली वाला बेल लेते हैं तो आपको करंट भी मार सकता है। सो सेफ्टी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो ये स्विच हम लोग इस बेल में सेट कर देंगे, ठीक है, जिसकी मदद से हम उसको ऑफ ऑन कर पाएंगे। ये देखिए अभी स्विच ऑफ है, ठीक है। उसके बाद जो तार निकलेगा, जो तार के दूसरे छोर को आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये तार का दूसरा छोर है, ठीक है। तो इस तार के दूसरे छोर को हम लोग टू पिन से जोड़ देंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारा टंकी है, ठीक है, तो इसमें वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो जी हाँ, वाटर लेवल बढ़ते बढ़ते ये टू पिन को ये वाटर टच करेगा, ठीक है। जैसे ही टच करेगा वैसे ही क्या होगा, अभी घंटी बजेगी, लेकिन अभी मैंने स्विच ऑफ कर रखा है। ये देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया, बज गई मेरी घंटी, अब लोग देख सकते हैं। जी हाँ, मैंने स्विच ऑफ कर दिया, ये घंटी तब तक बजेगी जब तक आप मोटर का स्विच और इसका स्विच नहीं बंद करते हैं। तो बिना कुछ देरी किए बहुत 200 से कम खर्च में आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हैं इस टाइप का प्रोडक्ट, तो आपको एक मोटा पैसा भी वसूला जाएगा और वो टिकाऊ भी नहीं होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।